आइए पर इस वक्त की बड़ी खबर पुराना सीतापुर के मनीष और चौराहा से मिल रही है। बताया जा रहा महज 15 मिनट की बारिश में ही पुराना सीतापुर का मनीष और चौराहा पूरा जलमग्न हो गया है। क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आइने के सीतापुर संवाददाता प्रांशु मिश्रा। तो प्रांशु जी बताए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? ये फरमान आपको बताना चाहेंगे कि जो जलभराव की समस्या है वो आज की नहीं है, वो सीतापुर की दशकों पुरानी है। और आज का जो आलम हम आपको बता दें कि सीतापुर शहर में महज 15 की बारिश हुई है, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत मूसलाधार बारिश हुई है या काफी तेज बारिश हुई है। जो बारिश हुई है उसके बाद जो शहर की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। अगर हम बात करें मन्नी चौराहा की, तो मन्नी चौराहे पर जो बारिश हुई है उसके बाद जो मार्ग है मन्नी चौराहा के, वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुके हैं। आप आइंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हल्की सी बारिश में ही पूरा जो मन्नी चौराहा है वहां के जो मार्ग है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, तालाब में तब्दील हो गए हैं। लोग उसी पानी, जो बारिश के पानी है उसी से निकलने को मजबूर है। जाम जैसी स्थिति भी वहां उत्पन्न हो गई, और आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते हैं। इसमें बाइक सवार गिरकर चोटिल होते हैं, जो बैटरी रिक्शा है वो पलटते हैं और लोग चोटिल होते हैं। लेकिन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। पूरे शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी की व्यवस्था है, वो ध्वस्त है आपको बता दें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शहर के नाले और नालियां हैं वो भी गंदगी से पटे हुए हैं, जिस कारण से जब बारिश होती है तो शहर के जो नाले और नालियां हैं वो उफना जाते हैं, और नालियों का जब गंदा पानी है वो मार्गों पर बहता रहता है। ये हाल उस जिले का है। परवान आपको बता दें कि जो नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के गृह जनपद का ये हाल है, दुर्गापुरवा में रहते हैं, लेकिन जो सीतापुर के मार्ग हैं वो हल्की सी बारिश में ही जलमग्न हो जाते हैं। हम बात करें अगर मन्नी चौराहा की, तो पूरा मन्नी चौराहा के जो मार्ग है वो जलमग्न हो गए हैं। आइंडिया की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं लोग गंदे पानी से निकल रहे हैं। इसके अलावा मुंशीगंज से मन्नी चौराहा रोड की बात करें, वहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। और इसके अतिरिक्त मन्नी चौराहा से जो सरीनपुर जाने वाला मार्ग है वो भी कुछ इसी तरह वहां के हालात देखने को मिल रहे हैं। और एक अहम जानकारी फरमाना आपको ये भी दे दें, अभी करीब 10 दिन पूर्व मन्नी चौराहे पे बुलडोजर गर्जा था नगर पालिका का, वहां पे जो दुकानें हैं उनके टीन शेड और चबूतरे भी तोड़े गए थे, और वहां का मलबा जो नगर पालिका कर्मी है वहीं छोड़ दिया गया था, वो हटाया नहीं गया था और वो मलबा वहीं पे जमा हुआ है, जिस कारण से जब बारिश हुई तो वो बारिश का सारा पानी सड़क पर रुक गया और लोग गंदे पानी से निकलने को मजबूर है, जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। आइंडिया की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से गंदे पानी में बाइक सवार और बैटरी रिक्शा निकल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और अहम समस्या फरमान आपको बता दें, ये समस्या आती क्यों है, तो अगर हम बात करें शहर के मार्गों की, तो पूरे शहर की मार्गों की जो हालत है वो इस वक्त दयनीय है। हम अगर वीआईपी मोहल्ले लालबाग की बात करें जो एसपी ऑफिस से होकर गुजरता है, चाहे उस मार्ग की बात करें, चाहे घंटाघर से गुरुद्वारे की मार्ग की बात करें, या सिविल लाइन की जो चर्च रोड है वहां की बात करें, ये शहर के पौश इलाके हैं, या 24 घंटे जहां पे लोगों का आवागमन रहता है मरीजों का, जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल जाने वाले मार्ग की बात करें, तो उसमें आपको बता दें 2-2 फीट के गड्ढे हो गए हैं। लोग मरीज और तीमारदार जान जोखिम में डालकर वहां से निकलते हैं, जाम की भी स्थिति उत्पन्न होती है, और यही कारण है कि जब हल्की सी भी बारिश होती है तो शहर के मार्ग जलमग्न होते हैं। फिलहाल बता दें 7 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार बने हुए, लेकिन सीतापुर की जो दयनीय स्थिति है उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। और लोग सोशल मीडिया पर जो खस्ता हाल सड़कें हैं उनकी दयनीय स्थिति को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो वीआईपी गाड़ियों से घूम रहे हैं लेकिन उनको शहर के मार्गों से कोई मतलब नहीं है। तो जो जलभराव की समस्या है फरमान आपको बता दें, एक पहली जो समस्या है जो सड़कों पर मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं उस कारण से उत्पन्न होती है, दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और जल निकासी की व्यवस्था हो भी कैसे,
जब नाले और नालियों की तेल तक सफाई नहीं होती है, जो गंदा कूड़ा और मलबा होता है वो उसमें सालों साल का जमा रहता है, नाले नालियों की जब सफाई नहीं होगी तो इसी तरह के हालात उत्पन्न होंगे। और यही कारण है कि 15 मिनट की बारिश में ही जो सड़क की है वो, जो सीतापुर की हालत है वो दयनीय हो गई है। खासकर जो हमने बताया मन्नी चौराहा, मुंशीगंज से मन्नी चौराहा रोड और मन्नी चौराहा से करीमपुर रोड का हाल। जी बिल्कुल, तो यह थी पूरी जानकारी जो कि हमारे सहयोगी इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। पुराने सीतापुर में महज 15 मिनट की बारिश हुई है और पूरी रोड पर पानी का जलभराव हो गया है। महज 15 मिनट की बारिश में ही पुराना सीतापुर का मन्नी चौराहा पूरा जलमग्न हो गया है, तालाब जैसी स्थिति हो गई है और जाम जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया प्रांशु। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।